संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो गार्डर लगाकर जो चलते हैं, काली फिल्म लगाकर चलते हैं बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ एक स्पेशल अभियान के रूप में, 1 मार्च से लेकर अब तक काली फिल्म के खिलाफ 397 केसेस में चलान या सीज किया गया है। और गार्डर लगाकर जो चलते हैं उसमें 170 वाहनों को सीज किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम वांछित अपराधियों के खिलाफ जो PHQ का अभियान चल रहा है उसमें बात करें, तो 1 मार्च से लेकर अब तक हमने 126 स्टैंडिंग वारंटी, 5 भगोड़े और 6 इनामी अपराधियों को अभी तक हमने अरेस्ट किया है और लगातार हमारी टीमों की कार्रवाई इसमें जारी है। नए क्या जो नए नए लोग गैंग्स को फॉलो करते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं उनके खिलाफ राउडी शीट्स भी खोली गई हैं और 11 नई हिस्ट्री शीट्स इसी महीने में विभिन्न थानों में खोली गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अब तक हम लगभग 113 लोगों को 1 मार्च से लेकर अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं और 59 लोगों की काउंसलिंग करा चुके हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी जो भी गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी टीम की लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुख्य बातें ये हैं कि आपसे तो आपको प्रेस नोट के साथ भी हम दे देंगे, ये एक जो राजू सिंह की तरफ से जो राजू सिंह के पास हमें इतने हथियार मिले हैं और उससे इंटरोगेशन, वो एक बहुत बड़ा कैच है। और साथ ही साथ हरिओम राणावत जो रोहित गुदारा का सबसे क्लोज एलआई माना जाता है और राजू भेट हत्याकांड के बाद से रूपोश का, उससे भी एक हथियार और 4 कार्टून सबको मिले हैं और अब हम उसे तफ्तीश कर रहे हैं। आगे हम न्यायालय से उसको PC रिमांड पर लेंगे और संभावनाएं हैं कि हमें उससे कुछ बड़ी खुलासे की उम्मीद है। तो उसने फरारी काटने के लिए जगह दी है तब